सबको प्रणाम। कई सारे लोगों के सवाल आए कि प्राणायाम कितने प्रकार के होते हैं। यदि हम अलग अलग ग्रंथों में देखते हैं तो प्राणायाम के बारे में अलग अलग ऋषियों ने कई तरह के अपने अपने मत बताए हैं। हठयोग प्रदीपिका में देखते हैं तो 8 प्रकार के प्राणायाम बताए हैं। सूर्यभेदी मुज्जाई शीतकारी शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लावनी अष्टकुंभका, तो ये 8 प्राणायाम जिसमें सूर्यभेदी उज्जायी शीतकारी शीतली भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लावनी इस प्रकार से। लेकिन सामान्य स्थिति में यदि हम देखते हैं ये प्राणायाम जो हैं अलग अलग साधना की दृष्टि से प्रयोग किए जाते हैं, रोगों की दृष्टि से इनका प्रयोग होता है। लेकिन सामान्य जन के लिए जो हम प्राणायाम की बात करते हैं वो आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, भ्रामरी प्राणायाम करें, उद्गित प्राणायाम करें, भस्त्रिका प्राणायाम करें और उज्जायी प्राणायाम करें और कपालभाति, ये भी अब प्राणायाम की कैटेगरी में आ गया है। वैसे कपालभाति ये षटकर्मा की क्रिया होती है, कपालभाति क्रिया जिसको कहते हैं, लेकिन इसे भी प्राणायाम कह देते हैं। तो विधि थोड़ा डिफरेंट है, तो कपालभाति भी आप करें। तो इस तरह से अलग अलग प्राणायामों के अलग अलग लाभ हैं। तो आप ज़्यादा संदेह में ना पड़ें, जिससे जो बने जितना बने उतना प्राणायाम का अभ्यास कर लें, क्योंकि प्राणायाम करना ज़रूरी बहुत है। प्राणायाम का अभ्यास करने से आपके शरीर की शक्ति बढ़ती है, प्राण पुष्ट होते हैं तो आपकी जीवनी शक्ति बढ़ती है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो प्राणायाम का अभ्यास जरूर करते रहें, जितना हो सके अपने अपने रोग के अनुसार, अपनी आयु के अनुसार, अपनी बॉडी की क्षमता के अनुसार। तो आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे प्राणायाम के लाभ, प्राणायाम के लाभ क्या क्या हो सकते हैं, उन प्राणायाम के लाभों को आप जानकर आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि इतने बड़े लाभ प्राणायाम से हो सकते हैं। तो आप प्राणायाम करना शुरू करें और अपने आप को स्वस्थ बनाएं, निरोग बनाएं। आप सभी के लिए बहुत शुभकामना। ओम। सब्सक्राइब करिए योग गुरु राजेश चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए।